Hello learners, I am Phronika ma'am. Today I am going to discuss class 11th microeconomics chapter number 1 introduction. Class, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग या एंड वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आप लोगों को पता होगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्लोप ऑफ पीपीसी. तो हम इस पर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. ये न्यूमेरिकल्स कन्फर्म आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्लास 11th. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी ए फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन. तो हम इसे कैसे करते हैं. फर्स्ट आप एक लिखिए ए एंड फर्स्ट लिखिए बी, मतलब कॉमोडिटी ए और कॉमोडिटी बी. तो आपकी कॉमोडिटी ए कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. देन यू राइट कॉमोडिटी बी 15, 14, देन 12, देन 9, देन 5 एंड देन 0. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट चेंज ऑफ ए, नेक्स्ट कॉलम इज चेंज ऑफ बी एंड द लास्ट कॉलम इज एम ओ सी, या फिर हम इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि हमने कितनी चीज़ की सेक्रीफाइस किया किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए. तो आपको पता होगा हम सेक्रीफाइस किसका कर रहे हैं, बी का. और किस में इंक्रीज हो रहा है, ए में इंक्रीज हो रहा है. तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन बी अपॉन में चेंज इन ए. मतलब किस चीज़ का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जा रहा है, और किस चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है. तो चेंज इन ए कैसे आएगा, पहले के लिए हमेशा वैल्यू निल रहती है. देन 1 - 0 1, देन 2 - 1 इज़ 1, देन 3 - 2 इज़ 1, देन 4 - 3 इज़ 1, देन 5 - 4 इज़ 1. अब चेंज इन बी, फर्स्ट के लिए निल, देन 15 में से 4 गया 14, 1, देन 12 में से 14 गया 2, देन 9 में से 12 गया 3, देन 5 में से 9 गया 4, देन 5. अब क्या है, चेंज इन बी अपॉन में चेंज इन ए, पहले के लिए तो निल है, सेकंड के लिए 1 अपॉन में 1, देन 2 अपॉन में 1, देन 3 अपॉन में 1, देन 4 अपॉन में 1, देन 5 अपॉन में 1. तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एम ओ सी क्या है, पहले के लिए तो इन्फिनिट कोई वैल्यू नहीं है, देन 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. तो मतलब आपकी एम ओ सी क्या कर रही है, एम ओ सी इज इंक्रीजिंग. एम ओ सी क्या कर रही है आपकी, बढ़ रही है ना. और जब भी एम ओ सी इंक्रीज होता है तो पी पी सी किस शेप का होता है, पी पी सी विल बी कॉनकेव. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर हुआ. अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. नेक्स्ट क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, कंप्यूट एम आर टी या एम ओ सी. अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है. एक साइड लिखिए आप पहले गुड एक्स एंड सेकंड साइड क्या लिखेंगे आप, गुड वाई. पहले हम गुड एक्स लिख लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40. पर वाई क्या है हमारा, 200, देन 180, देन 140, देन 80 एंड लास्ट इज 0. पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज इन एक्स, देन निकालेंगे चेंज इन वाई, देन हम निकालेंगे एम आर टी. इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम किस चीज़ का एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, y का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और किसे बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं. तो अब चेंज इन x पहले के लिए तो नील ही रहता है सबके लिए, मतलब 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10,
40 में से 30 गया, देन अगेन 10। अब चेंज इन वाई पहले के लिए तो नील रहेगा, देन 180 माइनस 200 इज 20, देन 40, 80 में ठीक है 90, 100, 110, 120, 130, 140, देन 80। अब कैसे निकलेगा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, तो क्या हो गया 20 अपॉन में 10, देन 40 अपॉन में 10, देन 60 अपॉन में 10, देन 80 अपॉन में 10। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ गया, पहले के लिए तो कुछ नहीं है, सेकंड के लिए 2, देन 4, देन 6, देन 8। तो हमारा MRT क्या है, MRT इज क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। सो PPC विल बी क्या होगा, कॉनकेव। सो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, एंड एक बात याद रखिएगा क्लास, इग्नोर नेगेटिव साइन। तो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है किसी स्कूल में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी पूछा जाए। तो हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, सेम सबसे पहला पार्ट जो होता है हम कैलकुलेट करेंगे MRT। तो पहले आप पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, तो हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है, एक A है, B है, C है, D है और एक E है। उसके बाद एक्स कॉमोडिटी लिख लीजिए, आपको कितनी दे रखी है, 0, 1, 2, 3, 4। देन वाई कितनी दे रखी है, 10, 9, 7, 4, 0। तो हम सबसे पहले MRT के लिए क्या निकालेंगे, चेंज इन एक्स, देन चेंज इन वाई, देन हम MRT निकालेंगे। MRT का फॉर्मूला क्या होता है कि हम किस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे वाई का, तो चेंज इन वाई, और किसको बढ़ा रहे हैं, एक्स को बढ़ा रहे हैं। तो चेंज इन एक्स पहले के लिए तो सब चीज़ें नील होती हैं, तो क्या आएंगी, 1, 1, 1, देन अगेन 1। चेंज इन वाई पहले के लिए तो हमारा नील है, देन 9 में से 10 गया 1, इग्नोर नेगेटिव साइन, 9 में से 7 गया 2, देन 3 एंड देन 4। तो पहले के लिए क्या आया, 1 अपॉन में 1, तो ये कितना हुआ 1, देन 2 अपॉन में 1, देन ये कितना हो गया 2, देन 3 अपॉन में 1, ये कितना हो गया 3, देन 4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 4। मतलब MOC क्या हो रहा है, MOC इज इंक्रीजिंग। आप MOC बोलिए या फिर MRT बोलिए, बोथ आर सेम। क्लियर हुआ, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें इसी को ग्राफ के थ्रू दिखाना है। देखिए दिस इज y एक्सिस होता है आपका, और ये क्या होता है आपका x एक्सिस। क्लियर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉमोडिटी x, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमोडिटी y। अगर आप पेपर में ये नहीं लिखेंगे ना तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 तक है ना आपका ये, देन 2, 2 का गैप ले लें, 2, 2 द 4, 2, 3 द 6, 2, 4 द 8, 2, 5 द 10। तो देखिए जब हमारा x 0 था तो हमारा y कितना था, 10 था। देन जब हमारा x 1 था तो y हमारा क्या था, 9 था। जब हमारा x 2 था तो हमारा y कितना था, 7 था। हमारा x 3 था तो हमारा y कितना था, 4 था। और जब हमारा x 4 था तो हमारा y कितना था, 0 था। तो अब आप इन सबको
ऐसे मिला लीजिए। तो ये आपका पीपीसी कैसा आया? पीपीसी इज कॉनकेव। जब भी एमओसी इंक्रीज करता है तो पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव। और देखिए इनके नाम भी लिख दीजिए, ए बी सी डी और ये आपका पॉइंट ई। ये पॉसिबिलिटीज थी ना आपकी। अब लिखा है लुक लेबल अ पॉइंट एफ इनसाइड द कर्व, दिस इज इनसाइड द कर्व। तो एफ इंडिकेट्स, एफ क्या इंडिकेट करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफ क्या इंडिकेट करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफ इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? लेबल अ पॉइंट जी आउटसाइड। ये देखिए मैंने आउटसाइड बना दिया। तो ये क्या इंडिकेट करता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, हम ये अचीव ही नहीं कर सकते। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसके लिए तो हमें दोनों कॉमोडिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जब कब होगा? जब हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो या फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो। क्लियर हुआ क्लास? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। आपको पीपीसी की शेप पे कमेंट करना है। तो सेम देखिए, यहाँ एक्स दे रखा है ना, तो यहाँ इसका चेंज इन एक्स निकाल लीजिए। यहाँ वाई दे रखा है, इनका चेंज इन वाई निकाल लीजिए। देन फाइंड आउट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम किस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं? गुड वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किससे बढ़ा रहे हैं? गुड एक्स को बढ़ा रहे हैं। आप निकाल लीजिए, पहले के लिए तो निल ही होता है। तो वन में से ज़ीरो गया, वन टू में से वन गया, वन थ्री में से टू गया, वन देन फोर में से थ्री गया, वन। अब ऐसे ही थ्री में से फोर गया, वन टू में से थ्री गया, वन देन वन में से टू गया, वन देन अगेन वन। तो क्या हो गया? पहले के लिए तो नील है, देन वन अपॉन में वन, देन नेक्स्ट वन अपॉन में वन, फिर देन वन अपॉन में वन, फिर देन वन अपॉन में वन, है ना? ऐसे ही हुआ ना क्लास? क्लियर हो गया क्लास? तो अब सबके आंसर क्या आ रहे हैं? वन 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 वन। तो इसका मतलब हमारा क्या है? एमआरटी क्या है? एमआरटी इज कॉन्स्टेंट। इस केस में हमारा एमआरटी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो आपका जो पीपीसी कैसा होगा? पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। पीपीसी कैसा होगा? पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया क्लास? तो आपका पीपीसी कैसा होगा? पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अब आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या करेंगे आप लोग? चेंज इन एक्स निकाल लीजिए, देन चेंज इन वाई निकाल लीजिए, देन एमआरटी निकालिए। एमआरटी को आपको देख के पता चल जाएगा। देखिए इसमें एमआरटी वन आ रहा है, कॉन्स्टेंट है। अगर इसमें एमआरटी बढ़ रहा है, अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर एमआरटी बढ़ते हुए आता है तो एमओसी क्या है, मतलब या एमआरटी क्या है? वो बढ़ रहा है। तो उस केस में जब भी एमआरटी बढ़ता है तो पीपीसी क्या होता है? कॉनकेव होता है। अगर एमआरटी घटता है तो उस केस में पीपीसी कॉन्वेक्स होता है। अगर एमआरटी कांस्टेंट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में है 1111, तो उस केस में पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ क्लास? कैसे करना है क्वेश्चन को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके क्लास, देन टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आप लोगों को पता होगा वॉट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोगों को पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हाँ, आप पढ़ के आए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन।
आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हम बहुत बारी बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब आप देखिए हम ये कैसे करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के न्यूमेरिकल। हम पहले नंबर वन न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए, हरीश अर्न रुपीज़ 10 लाख पर ईयर। एक आदमी है जिसका नाम है हरीश, वो हर साल 10 लाख रुपए कमाता है अपने बिजनेस से। ही गेट्स एन ऑफर फ्रॉम अ कंपनी टू वर्क एट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 8,40,000 पर ईयर। उसे एक जॉब का ऑफर आया कि चलिए हम आपको एक ऑफर देते हैं, आपको हम सैलरी देंगे 8,40,000 पर ईयर। तो इस केस में हरीश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? देखिए, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जो अभी उसे ऑफर हुई है, मतलब 8,40,000, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो अभी 10 लाख में नौकरी कर रहा है, तो उसने उस नौकरी को करने के लिए एक नौकरी का सेक्रीफाइस किया है। किस नौकरी का सेक्रीफाइस किया है? जहां पर उसे सैलरी कितनी मिल रही है, 8,40,000। तो वही जो उसका सेक्रीफाइस है, दैट इज हिज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही एग्जांपल एक और। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है राजू, वो जॉब को देख रहा है। अब उसे दो जॉब ऑफर मिले, पहली जॉब मिली उसे ICICI बैंक में और सेकंड जॉब उसे ऑफर हुई HDFC बैंक में। लेकिन उसने किसकी नौकरी ले ली? ICICI बैंक की नौकरी ले ली। वहाँ उसकी सैलरी कितनी थी? 20,000। तो अब जब राजू ने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली ICICI बैंक की, तो उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली 15,000 वाली जॉब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि 20,000 की जॉब पाने के लिए उसने 15,000 वाली जॉब का सेक्रीफाइस किया है। क्लियर हुआ क्लास? ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है एक लैंड पर। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब वो चाहे तो उसमें 70 kg राइस भी वो प्रोड्यूस कर सकता है उन्हीं रिसोर्सेज से। लेकिन अगर वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेत में, तो उसकी वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस केस में क्या होगी? 70 kg ऑफ राइस। क्योंकि वीट को उगाने के लिए उसे किस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो ही इसकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आई थिंक आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लिखिएगा, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूँगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखा करिए, इससे मुझे पता चलता है कि अगर आपके कोई डाउट हो तो मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ओके क्लास, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।